सर कैसे हैं? बहुत थैंक यू। ओके, तो ये चैलेंज मान सकते हैं हम आपको, जिस तरह से पहले एंड अब आपके लिए अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किया जी, हमने इंस्टाग्राम हर जगह आपकी बॉडी देखी जी, लेकिन पहले की समझ आ सकता है ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया? जी मैंने एक्सेप्ट किया। कल सब लोग अपने पुरानी 10 साल पुरानी फोटोज डाल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं भी जरा देखूँ 10 साल पहले मैं कैसे दिखता था। तो अच्छा लगा कि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, थोड़ा बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन आया जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली कैसे यू नो क्लब के साथ अवार्ड मिल रहा है, और इनका इतने स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स ये लोग ले रहे हैं, और इसके वजह से ये लोग मुझे एक अवार्ड दे रहे हैं, तो बहुत मीन करता है मेरे लिए। ये मेरा पहला डेब्यूटेंट अवार्ड है, तो बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस भी हूँ। नहीं सर, अभी बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम फेसबुक सब ठीक चल रहा है जी। जी एक बहुत अच्छा एक न्यूज़ है, बहुत जल्दी आने वाली है, अभी वो अनफॉर्चुनेटली मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, बट बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट आ रही है, और उसके बाद मैं डिटेल में उसके बारे में बात कर पाऊँगा। इट ऑल्सो मेक्स यू कैन यू नो सी द हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी। ऑल्दो द रिएक्शंस वर नॉट, आई वुड एक्सेप्ट दैट दे वर नॉट एज प्लीजिंग एज आई वुड लाइक देम टू बी, सो आई वॉज डिसहार्टेड एट फर्स्ट, बट टू सी द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, टुडे आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर इट। दैट फिल्म हैज गिवन मी अ प्लेटफॉर्म, इट गिव्स मी अ रिकग्निशन, सो टुडे आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। It's a learning process. You learn by, you know, from each and every film of yours. So I hope I can get to do better work, and the next film has better reviews. Do you want to say anything about all that's happened against Raju Irani, the allegations on MeToo that has come on? Yeah. I'm feeling very happy, very honored, and I think all the awards, especially this one, is for the fans, because even after the show has been shut, fans have just been pouring love still, so I'm very happy, and a big thank you to all the fans. I don't know, बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग है, बिकॉज अच्छा लगता है कि शो खत्म होने के बाद भी लोगों को याद है, और यू नो दे स्टिल पोरिंग लव ऑन यू, सो इट्स ऑलवेज अ नाइस फीलिंग। जब आनी होगी तब आप देख लेंगे। So much beautiful, I'm looking. So much. Okay. I want to give them so much love. बेपनाह मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बेपनाह मोहब्बत कभी ख़त्म ना हो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे? First debutant award, so very happy. बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अवार्ड मिला है, बहुत प्यार मिल रहा है, तो बहुत खुशी है, और मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कि घर जाके मैं अपनी वाइफ के अवार्ड दिखाऊँ। जी आई थिंक मेरे जितनी मेरी डेब्यू फिल्म है, वैसे उसके लिए भी बहुत पहली फिल्म थी मेरी, वो काफ़ी एक्साइटेड है, तो उसे एक अवार्ड मिल दिखाऊंगा तो खुश हो जाएगी।
वैसे तो वो कहती है अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों मिलना चाहिए जी. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. Hello. Thank you so much. Lions Award ने मुझे PKP 2 के लिए best actor in a comic role भी दिया था. And now they're giving me a best actor in a negative role. So I'm really happy that they've seen the fact that we've worked so hard and that I'm getting another award this year by them. So thank you so much at Lions and audiences of course, because unke bina main yahan hoti nahi. Social media pe 10 year challenge ki baatein ho rahi hu, aapne bhi isse to aur kaam karna hai, aap believe karti hai? Believe kya karna hai, I mean meri 10 saal purani photo mujhe mili nahi, warna main dal chuki hoti. Yeah. Something good about it. Something good about Turam Khan is Hansal ji and Raj. They're a dream combination. Mujhe bahut saalon se unke saath kaam karna tha and finally I'm working with them. So that is my something special about Turam Khan. About Dream Girl, I like this quirky comedy space a lot, and Ayushman of course is really really good at picking this stuff. And I'm just really 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 blessed that I'm a part of a script which is so funny and so quirky. And I think that's the two special part things about the two films. What is the one thing that you look forward to this year? In 2019? Yes. I really want to see both my films release on the same day or right one after the other in the week. Because I never had that. So that'll be quite cool, right? To have a film release on one Friday and another film on another Friday. So that'll be great. Yeah. Ciao. Bye guys. Because I'm so glad that a film like Love Sonia ko appreciate kiya ja raha hai on this platform, and I'm really thankful to the Lion Gold Awards team for appreciating Sonia's performance. Aur 2019 ka mera pehla award hoga, so I'm really excited to take the award back home. So July 26th, it's Super 30 that is coming out, and Batla House in the month of August, and then followed by Bahubali. So, yeah. Maybe bus. I've just come from Batla House shoot, and it's going really nice. बहुत अच्छा चल रहा है, and I can't wait for the audience to see the film and you know see the chemistry between Ritik, between John and Bahubali. Of course I enjoy, because they have so much experience, they share their experiences with me set par, aur bahut maza aa raha hai, bahut masti fun. It's a very nice film to you know be a part of, and team bhi kafi achhi hai. I'm so happy to be working with Nikhil Advani sir as well. Thank you. Few seconds here. Yes please.
थैंक यू हाँ जी बस बहुत बहुत धन्यवाद आप प्यार दे रहे हैं इतना और सारे गांव पास से मेरा बहुत पुराना नाता है और टचवुड हमेशा बहुत सारा प्यार मिलता है जब भी इस शो से जुड़ता हूँ सो थैंक यू टू द ऑडियंस थैंक यू टू द लायंस क्लब आई थिंक ये मुझे दूसरी बार मिल रहा है इससे पहले मुझे मेरे पहले सीजन के लिए मिला था सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट See, honestly, you know, regarding the Me Too movement, I definitely believe in it. I definitely believe that, you know, women should be empowered. Unko kabhi bhi apne workplace pe ya kahi bhi unsafe feel nahi karna chahiye. Aur main yahi umeed karta hoon ki, you know, whenever this is taken, the necessary legal course is taken, justice is given. Aur honestly, dekhi kya hota hai na, aise stories mein humko puri story pata nahi hoti. You don't know exactly what is happening. But I definitely say that if whoever, I'm just not addressing a single person, agar koi bhi guilty hai, they should be severely punished. Thank you. Ji. Ji. Bilkul sir. Absolutely. Main yahi kahunga ki har tarah ka education hona chahiye. Har tarah ke art ko ya science ko ya education ko encourage karna chahiye. At the end of the day, मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी choice बनानी चाहिए और उसके पास वो freedom होनी चाहिए कि उन्हें क्या चुनना है और क्या पढ़ना है और उन्हें जो भी पढ़ना है उसमें best facilities होनी चाहिए बिल्कुल 100% देखिए मेरा ये मानना है कि there is no one important aspect हर एक जो चीज़ होती है जो field होती है वो बहुत important होती है चाहे वो एक्टिंग हो या वो राइटिंग हो या वो टेक्निकल फील्ड हो एवरी सिंगल स्टेज ऑफ फिल्म मेकिंग और यू नो म्यूजिक मेकिंग और टेलीविजन दे आर ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट थैंक्स अ लॉट आज ही हुआ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आज हमारे शो को 200 एपिसोड पूरे हुए हैं और मेरी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी 97th एपिसोड में और 200 पूरे हो गए अच्छा लग रहा है कि अच्छा शो होता है जब अच्छा एक अच्छी टीम हो तो बहुत जल्दी वक्त निकल जाता है उम्मीद है कि 200 जो है वो 2000 हो और अच्छा शो चले और लोग बोर ना हों और अब तक जो हमने कोशिश की है कि जो मुस्कान है वो बरकरार है सबके चेहरे पर और वो बरकरार रही है तो उम्मीद है कि आगे भी रहे प्रोडक्शन यार जब मैं प्रोडक्शन खोलूँगा सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करूँगा बट अभी तो फिलहाल मेरी रुचि जो है वो एक्टिंग की हो रही है प्रोडक्शन खोलने का डेफिनेट जहन में तो है और कभी उसके बारे में सोचा कभी भी अगर ऐसा कुछ हुआ प्लानिंग So I will definitely let you know. But at the moment, it's a lot about acting only. Thank you. Thank you. Sir, this is your picture. Congratulations. Promising face 2018. Really happy.
जैसे कि मैंने अंदर बोला कि मुझे मुझे हमेशा डाउट था कि क्या मतलब क्या मैं हिंदी बोल पाऊँगी, क्या इंडिया मुझे एक्सेप्ट करेगा, बट इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड मी एंड बहुत सारा प्यार मिला, तो उसके लिए आई एम सुपर ग्रेटफुल। वो मैं आपको जल्द मैं आपको ये बहुत जल्दी बताऊँगी, मैं आपको नहीं बताऊँगी। माय ब्यूटीफुल अटायर, इंग्लिश में सोशल मीडिया पे 10 ईयर का चैलेंज चल रहा है, तो हम आपको इस तरह का जी मैंने चैलेंज पूरा कर दिया है, आप प्लीज़ देखिए, मैंने अपलोड कर दिया है, हाँ आप प्लीज़ देखना 10 ईयर का चैलेंज एंड बताना कब को मेरा आइडिया कैसे लगा। Thank you.